जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो सबसे छोटा ग्रुप स्पीशीज कहलाता है। यानी कि आप जब छोटे से छोटे ग्रुप में डिवाइड करते जाएं, तो सबसे छोटा ग्रुप जिसमें आप डिवाइड कर सकते हैं वो स्पीशीज है। और स्पीशीज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बड़े अरसे तक आपसे पूछी जाती रहेगी कि स्पीशीज किसे कहते हैं अगर जिंदगी में बायोलॉजी आगे पढ़ी तो। ठीक है, तो स्पीशीज होने के लिए चार क्राइटेरिया हैं, चार चीजें जब पूरी हो जाए किसी ग्रुप में तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप एक स्पीशीज है। क्या शर्त है? नंबर एक, स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशंस। नेचुरल पॉपुलेशंस का ग्रुप हो। पॉपुलेशन क्या है? किसी जगह पर किसी वक्त में एक स्पीशीज के इंडिविजुअल, एक जैसे इंडिविजुअल कहीं पे रह रहे हैं। नेचुरल पॉपुलेशन होनी चाहिए, हमने जबरदस्ती उधर इकट्ठे करके ना रखे हो किसी रेवड़ के तौर पे या किसी जगह पे आपने बांध के रख दिए हैं, वो नहीं। कुदरती तौर पे जहां रहते हैं उनकी बात हो रही है। दूसरी शर्त क्या है? कि वो आपस में इंटरब्रीड करते हो, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करते हो, दूसरे किसी ग्रुप के साथ रिप्रोड्यूस ना करते हो। तीसरी बात यह है कि रिप्रोड्यूस करें तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, जो बच्चे पैदा हो वो आगे भी अपने जैसे बच्चे पैदा करने के काबिल हो। ठीक है, ये ना हो कि बच्चे पैदा हो जाए लेकिन वो आगे रिप्रोड्यूस ना कर सके। मिसाल के तौर पर आपने खच्चर को देखा हुआ है जो गधे और घोड़े के मिलाप से पैदा होता है, तो वो दो अलग अलग हैं ग्रुप्स, आपस में रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, दोनों ऊपर वाली कंडीशंस पूरी हो रही हैं लेकिन तीसरी कंडीशन पूरी नहीं होती कि खच्चर जो पैदा होता है वो अमूमन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए वो अलग अलग ग्रुप कंसीडर होंगे। चौथी चीज के वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो दूसरे ग्रुप से। रिप्रोडक्टिव, अब लोग तीन चीजों को याद कर लेते हैं चौथी चीज भूल जाते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है वही बात जो ऊपर भी हो गई कि दूसरे किसी ग्रुप से रिप्रोड्यूस ना कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपस में रिप्रोड्यूस करें, किसी और ग्रुप के साथ रिप्रोड्यूस ना कर सकते हो, तो ऐसे ग्रुप को हम स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशंस दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। डेफिनेशन याद करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्चे अब चूंकि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, मसलन अमीबा है तो वो खुद ही दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो उसको इस कैटेगरी के इस डेफिनेशन की बेस पे उसकी स्पीशीज डिफाइन नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए हमने और भी क्राइटेरिया बनाए हुए हैं लेकिन वो हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर स्पीशीज, अब जब नेचर में आपने इस कैटेगरी, इस क्राइटेरिया की बुनियाद पे कैटेगरीज बनाना शुरू कर दी, तो आप देखेंगे कि फिर उस एक मखसूस स्पीशीज की मखसूस मॉर्फोलॉजी होगी, यानी कि उसकी कोई शक्ल सूरत होगी, उसकी अपनी एनाटमी होगी, यानी उन दूसरे ऑर्गेनिज्म की निस्बत उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट बिहेवियर होगा, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की निस्बत वो अब उनके रवैये और तरह के होंगे, इकोलॉजी यानी वो नेचर से और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे रिलेशनशिप्स रखते हैं वो डिफरेंट होगा, डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजी होगी यानी कि उनके बॉडी के काम करने का तरीका, और बायोकेमिस्ट्री उनके केमिकल कॉम्पोनेंट्स, यानी कि सारी चीजें उस दूसरे ग्रुप से जिससे हमें शक है कि इससे मैच कर रही हैं, मसलन गधे और घोड़े की इकोलॉजी और बिहेवियर और बाकी सारी कैपेसिटीज, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज डिफरेंट है। ठीक है, तो हर स्पीशीज इन क्राइटेरिया के हिसाब से यूनिक होती है और किसी दो स्पीशीज के दरमियान जेनेटिक एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता। यानी कि ये नहीं होता कि उस स्पीशीज की जीन्स उठ के इस स्पीशीज में आ जाए या इस स्पीशीज की जीन्स उठ के किसी दूसरी स्पीशीज में चली जाए। और स्पीशीज को हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट्स हैं। इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट का मतलब है कि वो खुद से इवॉल्व कर सकती हैं, उनके अपनी इवॉल्व करने की सलाहियत है वक्त के साथ साथ, वो कौन सी खुराक खा रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, क्या क्या उनके ऊपर प्रेशर है, उसके हिसाब से वो वक्त के हिसाब से तब्दील होते जाएंगे। दूसरा ग्रुप अपने हिसाब से तब्दील होगा, ये वाला ग्रुप अपने हिसाब से तब्दील होगा, अपनी मजबूरियों को देखेगा। फिर अब आप क्या करते हैं,
आपने स्पीशीज को, सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे ग्रुप्स में कि ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। चींटियां अलहदा कर दी, चींटियों की एक स्पीशीज बना ली, बड़े वाले चींटों की एक स्पीशीज बना ली, बिल्कुल बारीक वाली चींटियों की एक स्पीशीज बना ली, घर की मक्खी की एक स्पीशीज बना ली, माल्टे के ऊपर बैठने वाली मक्खी की अलहदा बना ली, आम के ऊपर बैठने वाले की अलहदा स्पीशीज बना ली। तो आपने सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास लाखों की तादाद में स्पीशीज आ गई। अब वो लाखों स्पीशीज को कैसे स्टडी करना है, उसके लिए आपने क्या किया कि आपने मिलती जुलती स्पीशीज को ग्रुप कर दिया एक जीनस में, ठीक है। मक्खियां, मिलती जुलती मक्खियां एक जीनस में डाल दी, ठीक है। फिर एक जैसी जेनरा एक फैमिली के अंदर रख दी, ठीक है। मसलन सारी तरह की चींटियां, तकरीबन 40,000 तरह की चींटियां एक फैमिली के अंदर रखी हुई हैं, 40,000 मुख्तलिफ स्पीशीज चींटियों की एक फैमिली के अंदर आ जाती हैं। फिर मिलती जुलती फैमिलीज एक ऑर्डर के अंदर रखी जा सकती हैं, मिसाल के तौर पे मक्खियां भी उड़ती हैं, चींटियां भी उड़ती हैं, तो उनको एक ऑर्डर में रख लिया, ठीक है। फिर मिलते जुलते ऑर्डर्स एक क्लास के अंदर, मिसाल के तौर पे सारे ऑर्गेनिजम्स जिनकी 6 टांगे हैं वो एक क्लास इंसेक्ट्स के अंदर आ गई, ठीक है। फिर मिलती जुलती क्लासेस एक फाइलम के अंदर, मसलन जिनकी भी बॉडी के ऊपर खोल चढ़ा हुआ है, हार्ड कवर है और उनकी जोड़दार टांगे हैं, उनका आपने फाइलम पढ़ा हुआ है आर्थ्रोपोडा, सुना हुआ नाम, ठीक है। तो उसमें सिर्फ 6 टांगों वाले नहीं है, उसमें 20 या 40 टांगों वाले कनखजूरे भी आ जाएंगे, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के अंदर। और फिर उन सब को उससे भी एक बड़े ग्रुप में रखा किंगडम के अंदर, कि वो भी दूसरों को खा के गुजारा करते हैं, हम भी खा के गुजारा करते हैं, तो हम भी एनिमल हैं, वो भी एनिमल है, तो एक किंगडम के अंदर एनिमल्स को रख दिया, ठीक है। तो मिलते जुलते ग्रुप्स को आप रिलेटिवली बड़े ग्रुप्स के अंदर कंबाइन करते जाते हैं, लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इनको हम कहते हैं, इनको आपने तरतीब से याद रखना है, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तरतीब से आपने याद रखना है। नाम याद रखने के लिए मैंने बताया था किंग प्लेज कार्ड्स ऑन फ्राइडे, गनी सेड, किंग प्लेज कार्ड्स ऑन फ्राइडे, गनी सेड, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीशीज हो जाएगी। मतलब आप एनाग्राम बना लें या सेंटेंस बना लें याद रखने के लिए, वो आसान हो जाता है। तो स्पीशीज बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। स्पीशीज के अंदर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं और फिर उनको ऊपर की तरफ ग्रुप करते जाते हैं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे, ठीक है। फिर एक किंगडम के ऑर्गेनिजम्स देखेंगे तो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नजर आएंगे, मसलन एक बंदर है और एक चींटी है, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, दोनों एक ही किंगडम के मेंबर्स हैं। लेकिन जितना आप नीचे आते जाएंगे उनकी सिमिलैरिटी ज्यादा होती जाएंगी, उनके डिफरेंसेस कम होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक ही फैमिली के अंदर मैंने बताया कि बहुत सारी चींटियां आपने रखी हुई हैं, वो सारी चींटियां देखने में चींटियां ही लगती हैं, एक जैसी नजर आती हैं, कई ऐसी भी होंगी जो 100% आइडेंटिकल लगेंगी देखने में, ठीक है, कि आपको लगेगा कि दोनों बिल्कुल ही एक जैसी हैं, लेकिन वो एक जैसी नहीं होंगी, अलग अलग स्पीशीज होंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉर्न प्लांट की क्लासिफिकेशन के कौन 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 से ग्रुप्स के अंदर रखा गया है। तो किंगडम है उसका प्लांटी यानी के पौधे, डिवीजन या फाइलम है उसका एंथोफाइटा या ट्रेकियोफाइटा भी इसको हम कहते हैं, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होती हैं, चैप्टर नंबर 9 में जाके इनकी डिटेल पढ़ेंगे। फिर क्लास है एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी जिनके अंदर बीज बनते हैं, फूल लगते हैं, वो वाले पौधे। ऑर्डर है पोएलिस, पोएलिस ये इसी तरह के बीज वाले पौधों का, मतलब ये जिनके अंदर दाने होते हैं उनकी बात हो रही है। पोएसी फैमिली है, घास की फैमिली, जीनस ज़िया और स्पीशीज का नाम मेज है, ज़िया मेज इसका हम नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कॉर्न की स्पीशीज कौन सी है, उसकी क्लास कौन सी है, उसका ऑर्डर कौन सा है, वगैरह वगैरह।